तो आपको पता है कि किसी कंपनी की औकात नहीं है इतना देने की जितना धनवंतरी बायोसाइंस दे रही है, इतना तो औकात नहीं है। और आज ही मैं सर से बोल रहा था, सर से मैं मिला तो मैंने कहा कि सर पता है किसी को बर्बाद होना है तो धनवंतरी का प्लान कॉपी कर ले, 6 महीने में बर्बाद हो जाएगा, घर मिल जाएगा उसे। किसी कंपनी को अगर बर्बाद होना है तो बहुत बड़ा काम नहीं करवाया, धनवंतरी का प्लान तुम कॉपी कर लो, 6 महीने चला दो, साला बर्बाद ना हो गए तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना। आप प्लान को भी कर लो, धनवंतरी का प्लान तो ओपन मार्केट में चल रहा है ना, है औकात तो साला कोई फॉलो कर ले थोड़ा सा कॉपी, बर्बाद ना हो। और एक कई बार आप कई लीडर्स, अभी जैसे बहुत सारे दूसरे कंपनी के लीडर, धनवंतरी इतना दे कैसे रखे, कैसे दे, अरे साला तुम्हारा औकात नहीं है ये सोचने का, क्या दे रहा है, आप नहीं सोच पाओगे कैसे दे रही है साहब, आप नहीं सोच पाओगे कैसे दे रही है। मैं इतने 2 महीने से मैं सर के साथ हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे दे रही है, कैसे दे रही है बाबा, कैसे दे रही है, और देने का प्लान कर रही है तुम, और देने का प्लान कर रहे हैं। बस आप इतना जानिए सर, धनवंतरी पे होना सौभाग्य की बात है, कुछ तो पुण्य हम सब ने किया होगा, या तो इस जन्म में या तो पूर्व जन्म में, कि हम धनवंतरी के परिवार के एक हिस्से हैं और यहां बैठे हैं, कुछ तो पुण्य है। और अगर आप यहां से निकल जाते हैं तो आपने गहरा पाप किया है, या तो इस जन्म में या तो उस जन्म में, राइट। अगर आप यहां से कैसे भी निकलते, गलती से भी निकल जाते, मैंने कहा था कि सर आप भगा के दोगे ना, साला हम फिर लौट के आएगा, हम जाएगा नहीं, हमने आपको पहचान लिया, और इस इंडस्ट्री में ना कंपनी नहीं पहचानी जाती, इंसान पहचाने जाते, कंपनी नहीं पहचानी जाती, इंसान पहचाने, एक बार पहचान लिया जिससे, अरे साहब वो छोड़ के नहीं जा सकता सर, एक बार अगर